रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बयान होंगे। आंसू मेरे पाक पैगंबर दे, अल्लाह अकबर अल्लाह, आंसू पे आंसू रहे। भी हमारे चैनल कारी याकूब फैसलाबादी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। जुमे वास्ते हालांकि खुद खतीब ने आज जुमा नहीं पढ़ाना जी, कहते ने कारी साहब मैं तुम्हारी रौनक देख के आनी है। अल्लाह ताला इन्हां दे तशरीफ लियाने नु कबूल मंजूर फरमाए। हाफिज साहब इस बात नु अच्छे तरीके नाल जानदे ने, साडे इलाके दे भी वाकिफ ने, मनकेरे दा इलाका हनी बखर और लईए दे इलाके अंदर मौलाना अब्दुल अजीज सईदी हुंदे सन, मौलाना अब्दुल अजीज, और छोटी जी उम्र अंदर सानू उदो पता भी नहीं हुंदा सी कि रोंदे क्यों ने, तकरीर करदिया रोंदे क्यों ने। जदों मेरे महबूब दा नामे नामी इसमे ग्रामी आंदा सी ते नाल ही उन्हां दी अखां च छम छम हांजी आंसू चल पैंदे सन। अगर 10 वेरी नहीं 50 वारी नाम आया उहदे खिताब अंदर, उन्हां ने 50 मरतबा उन्हां दी अखां च आंसू बहाए और वेखे असी अपनी अखां नाल, सानू नहीं पता हुंदा सी, लेकिन प्यारे नबी नाल इतनी मुहब्बत, इतना प्यारे नबी दे नाम नाल ही अकीदत के सोने दा नाम जदों लैणा ते नाल रो लैणा ते रो पैणा ते मेरे नबी दे आंसूआं ते, वो भी ते बंदा ईमानदार ही है ना जिहड़ा मेरे नबी दे आंसूआं दे नाल रोएगा। मेरे प्यारे नबी दे आंसू जिथे जिथे निकले हजूर नूं रोना आया उथे उथे नाल उम्मती कदरे रो पवे। इंशाअल्लाह कयामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी नाल मेरा तुहाडा संग साथ नसीब फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह दे फजल नाल मैं अर्ज कर रहा, सुनना जरा बगैर तमहीद दे बयान शुरू होण वाला। फरमाया जिल्ला कद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, समझे अल्लाह फरमाते ने लाम और कद दाखल करके अल्लाह ने फरमाया एक कसम दा भी जिथे लाम और कद, लाम ताकीद वाला लाकद, लाकद नहीं लाम अलिफ ला नहीं लाम जबर ला, है जी लाकद आ जाए, लाम भी ताकीद दा कद भी ताकीद दा, जिथे दो कट्ठे आ जान उथे कसम दा माना भी देंदा है, यानी लाकद। अल्लाह फरमाते ने लोगो लाकद जा أَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ यकीनन आ गए जे तुहाडे कोल अल्लाह दे एक रसूल, अल्लाह दे रसूल तशरीफ ले आए जेड़े मिन अनफुसिकुम जेड़े तुहाड़ियां जानां विचों, यानी तुहाड़े विचों नबी, तुसी इंसान हो इंसानां विचों नबी तुहाड़े कोल आया, तुसी बशर हो बशर विचों, अल्लाह ने करीम ने अपना नबी मबूस फरमाया। आ गए जे नबी एहो जे नबी जिन्हां दे बारे अंदर फरमाया गया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तुहाड़ी तकलीफ उन्हां ते बड़ी गरां गुजर दिए, बहुत मुश्किल अंदर तुहाड़ी तकलीफ होवे ते नबी मुश्किल अंदर पै जांदे ने, नबी नूं बहुत ज्यादा उम्मती दी तकलीफ तकलीफ देंदी है, मेरे नबी नूं बहुत ज्यादा सदमा पहुंचदा है उम्मती दी तकलीफ नूं वेख करके। ए हो गया ते तर्जमा, अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसा नबी तुहाडे विचों मैं मबूस फरमाया है जिहड़ा अज़ीज़ुन अलैहि मा तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिना दे नाल इतना रहीम इतना शफीक है। अल्लाह अकबर, मोमिन दी तकलीफ नूं नबी सोना बर्दाश्त नहीं जे कर सकदा। अल्लाह अकबर, इंज दा रसूल आया। सब तो पहले जनाब बुखारी शरीफ दी हदीस सुनावा, मुत्तफक अलैह रिवायत मुस्लिम शरीफ अंदर भी मौजूद है। अज दे खिताब अंदर जनाब नूं मैं 5 हदीसां अल्लाह दे फजल नाल सही बुखारी शरीफ दियां, मेरी कोशिश हुंदी है कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ विचों जिहड़ा किताब मेरा तैयार हो जाए, होर किसे किताब दी मैं हदीस लैंदा ही नहीं। अगर होर मुहद्दिस ने किसे ने हदीस दी किताब लिखी है
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲਈਦੀ ਏ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ, ਪੰਜ ਹਦੀਸਾਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਦੋ ਅਹਦੀਸ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਔਰ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸਨਦਨ ਸਹੀ ਏ, ਦੂਸਰੀ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤ ਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਨਾਬ 284 ਨੰਬਰ ਹਦੀਸ ਏ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ سبحان اللہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دا ارشاد گرامی ہے، سن لینا۔ اور ایک ہوئی حدیث مسلم شریف اندر بھی موجود ہے، یعنی جناب 923 نمبر تے میرے پیارے نبی دے صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک نواسے دے جنازے تے کہندے نے اسی لوگ شریکاں۔ اسامہ بن زید کہندا ہے پیارے نبی دا ایک نواسا فوت ہویا، ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮਰਗੁਲ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਕਰੀਬੁਲ ਮਰਗ ਨਵਾਸਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਖਲਾਇਆ, ਪੈਗਾਮ ਖਲਾਇਆ, SMS ਖਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਸਾ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਖੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਅਲਗਰਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗਮ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਨਾ ਲਿਲਲਾਹੀ ਮਾ ਅਖਜ਼ਾ ਵਲਹੂ ਮਾ ਆਤਾ ਵਕੁਲੁ ਸ਼ੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਜਾਲੀ ਮੁਸੰਮਾ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾ ਆਜਾਲੀ ਮੁਸੰਮਾ ਫਲ ਤਸਬਿਰ ਵਲ ਤਹਤਸਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਲੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਇੰਨਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮ ਉਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕੀਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਯਕੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੂਨ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਲਫ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਮਾ ਅਖਜ਼ ਵਲਹੁ ਮਾ ਆਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਅਖਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਖਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਾ ਅਖਜ਼ਾ ਵਲਹੂ ਮਾ ਆਤਾ ਉਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ ਜੋ ਲੈ ਲੇ ਔਰ ਉਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ ਜੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ 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 ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਲੈਣਾ ਜੋ ਲੈ ਲੇ ਵੀ ਉਸੀ ਕਾ ਦਿਆ ਹੁਆ ਵੀ ਉਸੀ ਕਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲੁ ਸ਼ੈਇਨ ਇੰਦਹੁ ਇਲਾ ਅਜਲਿ ਮੁਸੰਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਸ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫਲ ਤਸਬਿਰ ਵਲ ਤਹਤਸਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਔਰ ਸਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਉਸਾਮਾ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਉਬਾਦਾ
शायद उबई बिन काब भी ने शायद रावी सामा कहता शायद उबई बिन काब भी नाल ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे बच्चे दे कोल तशरीफ ले गए घर अंदर अपने नवासे दे कोल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल नवासे नु ले आंदा कि आ प्यारे नबी दी गोदी अंदर दे छड़िया हजूर नु नवासा थमा छड़िया है इधरो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज नवासे नु ले के वेखिया ते सांस निकल रहे ने बेटा नवासा मेरे नबी दा जुदाई देंदा नजर आंदा है ते हजरत उसामा फरमा दे ने फफादत अल्ला बस अल्लाह दे नबी दियां अखां डुल पईयां प्यारे नबी फफादत अल्ला अल्लाह दे नबी दियां दुआ अखां चो आंसू निकले आंसू बह निकले मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी साथ बिन उबाद अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह मा खाजा या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल एक ही है अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आंसुआं दे बारे अंदर पूछिया गया मेरे नबी दियां अखां जो आंसू बह रहियां ने हजूर रोंदे नु पूछिया हजरत साद बिन उबादा ने कहंदे ने मा खाजा या रसूल अल्लाह अल्लाह दे रसूल की प्यारे नबी फरमाया सुन लो मेरे नबी फकाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने हाजिर रहमा ए अल्लाह दी रहमत जी 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 यदउ अल्लाहु फी कुलूबी मैं यशाउ मिन इबादी अल्लाह अपने बंदियां चो जिन्ना वास्ते चांदा है उन्हां दे दिलां दे अंदर रख देंदा है ए नरमी अपने बंदियां चो सुभान अल्लाह मेरे नबी सोने ने फरमाया जनाब अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा देने के अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदियां चो यादाऊ हा किनू रख देंदा है सर रहमत नू हा दी जमीर ए लफ्ज़े रहमत मुअन्ना से एदी तरफ जा रही है के यानी फरमाया अल्लाह दे नबी ने यादाऊ अल्लाह फी कुलूबी मन यशाउ मिन इबादी अल्लाह अपने बंदियां चो जिन्ना वास्ते चांदा है उन्हां दे दिलां दे अंदर ए रहमत रख देंदा है ए रहमत नरमी ए नरमी ते रहमत दे प्यार ते शफकत दे आंसू ने मेरे नबी फरमा देने अल्लाह दे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहि रहमा सिर्फ और सिर्फ इन्नमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम दे बड़े बड़े औलाबा बड़े बड़े मुसन्निफ और बड़े बड़े मुहक्किक अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमाने कारी कौसर साहब मेरे कारी शफीकुर रहमान साहब तुहानू इस बात दा इल्म है कि इन्नामा कलमा हसर क्यों जी एदा माना है बनदा सिर्फ और सिर्फ समझिया जी जरा वह फरमाया हुआ इन्नामा यरहमुल्लाहु बिल इबादिहि रहमा सिर्फ और सिर्फ रहमत अल्लाह दे बंदियां चो उन्हां वास्ते हुंदी है जेड़े दूसरियां ते रहमत कर देन यानी ये नरमी है ना जड़ी शफकत ये नरमी उन्हां लोगां वास्ते अल्लाह ने खास कर छड़ी है जेड़े दूसरियां ते नरमी कर देन अल्लाह अकबर जेड़े दूसरियां ते रहम करन अल्लाह दा रहम उन्हां वास्ते सिर्फ और सिर्फ खास हो गया अल्लाह
हदीस दे अल्फाज ने सुनिया अपने कोलों ते मैं बयान नहीं कर रहा हूँ। बुखारी शरीफ दी उस तो अगली हदीस आ गई यानी 1304 नंबर हदीस है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने दरावी ने कहंदे ने हजरत साद बिन उबादा पिछली हदीस अंदर प्यारे नबी नु सवाल करने वाले क्यों जी नवासे दे बारे अंदर आंसुआ नु वेख के ना सवाल करते ने ये भी एक दिन बीमार हो गए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी वास्ते निकले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हजरत साद बिन अबी वकास हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हुम ए तीनों सहाबा मेरे नबी दे नाल निकले। अल्लाह दे नबी तशरीफ ले आए ते हजरत साद बिन उबादा नु गशी दी हालत अंदर वेख्या ते आप परेशान होके फरमांदे ने कुजिया क्या फौत हो यानी क्या फौत हो गए मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह गशी दी हालत अंदर वेखिया ते मेरे नबी फरमाते ने फौत हो गए। सवालिया अंदाज नाल जी जी कहंदे ने सहाबा कहंदे ने दूगत लोग करीब खड़े होने वाले कहंदे ने फकालू ला या रसूल अल्लाह दे नबी फौत ते नहीं होए मेरे प्यारे नबी बस वेख दे ने फबकन नबी सल्लल्लाहु अल्लाह दे नबी रो पे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वेख करके सारे लोग भी रो पे। ओ लोगो मैं इस हदीस दी वजाहत में करांगा कि इस हदीस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोने नु वेख के यानी जो उस वक्त दे लोग सारे रोए आज मेरे नबी दे आंसुआं दा तज़किरा सुन के मेरे नबी दे रोने नु सुन के तेरी मस्जिद दा खतीब कारी यकूब भी रो पिया और मेरे जितने भी सुनन वाले सारे लोग रो पे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए दीगर लोग भी रोए अल्लाह दे नबी सुबह दिया बहादिया मेरे नबी रोंदिया रोंदिया फरमाते ने अल्ला तस्मऊन इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु ला युअज़्ज़िबु बिदमउल अईल अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने सुनो अला तस्मऊना ओ क्या तुसी सुनदे नहीं हो अल्लाहु अकबर अल्लाह सुनदे नहीं हो अल्लाह दे नबी फरमाया इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमउल अईल आंसू बहाण वाली अख नू अल्लाह अज़ाब नहीं देगा आंसू बहाने वाली अख नू अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। इत्थे भी इन्ना दा लफ़्ज़ बोलिया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह सोना इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमउल अईल फरमाया अख विचों आंसू हाँ जी निकल आवे आंसू बहण वाली अख नू अल्लाह अज़ाब नहीं देगा वला बिहुज़्निल क़ल्ब और गमगीन दिल भी अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। मेरे नबी दिया अखां भी डुलियां मेरे नबी दा दिल ही गमगीन होया अपने सहाबी दी वफात ते अपने सहाबी दी गशी ते मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोणियो जेड़ी अख आंसू बहाण वाली जिस अख विचो कतरा पानी दा निकल आवे अल्लाह ओनू यकीनन अज़ाब नहीं देगा और गमगीन दिल जड़ा ओनू भी अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। वला बिहाज़ा
کہنا عذاب ہوئے گا ایدھی وجہ کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اللہ وَعَشَارَ إِلَى لِسَانِ اشارہ فرمایا میرے نبی نے اپنی زبان والا اللہ اکبر اللہ لمبی حدیث سے میں خلاصہ بیان کیتا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اگے الفاظ میں یا پھر رحم کرے گا یعنی زبان دی وجہ تو یا تے عذاب ہوئے گا یا اللہ دی طرف رحم ہوئے گا اگر چنگی گل زبان کڈے گی چنگے بول بولے گی تے اللہ دی طرف رحمت ہوئے گی پھر عذاب نہیں ہوئے گا تے جے گندے جملے بول دی رہی گندیاں باتاں کر دی رہی پھر اے زبان دی وجہ تو عذاب ہوئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پھر میت نو عذاب ہوئے گا بعد اندر او دے واسطے رون آلیاں دی وجہ کر کے جڑے بعد اندر رون تو مراد بین ہے کیوں جی رون تو مراد بین پان آلیاں دی وجہ کر کے کٹ پٹ والیاں نو ہم عذاب تے ہونا ہی ہونا میت نو بھی عذاب ہوئے گا اگر او میت چاندی سی کہ میرے بعد کٹ پٹ دا نظام تے بے صبری دا بین دا نظام چلایا جائے یہ جاندی سی ہو دا عقیدہ سی کہ جناب کٹ پٹنو جے سمجھدہ ہوئے تھے مرنو والا اس واسطے انوی عذاب ہو دے عذاب اندر اضافہ ہوئے گا عذاب وج جائے گا اینا رونا لیاں دے رون دی وجہ کر کے اگر مفوت ہون والا ہے نہیں چاندہ وہ چاندہ ہے کہ میری میت دے میرے مرنے دے بعد بین نہ پائے جان بے صبری دا بزارہ نہ کیتا جائے کٹ پٹ دا نظام نہ چالو کیتا جائے تے پھر مرنے والے نو تے عذاب نہیں ہوئے گا پھر انہ دے عذاب اندر اضافہ ہو جائے گا الغرض میں گل لے کر رہا ساں سن دے چلے جانا جناب آؤ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے 976 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے راوی نے فرما دینے زار النبی قبر امہ فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دی قبر دی زیارت گئے پیارے نبی وَبَكَى اللہ دے نبی رو پے اپنی امی دی قبر دے قریب بیٹھے ہوئے میرے نبی دی آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے لوگوں اے میں کل سنی سنائی بات نہیں صحیح مسلم شریف دی حدیث باخوالا روایت کرنے والے راوی دا نام دس کے عرض کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرما دینے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پے اپنی امی دی قبر دی زیارت واسطے گئے وَعَبْ كَا مَنْ حَوْلَهُ اور اللہ دے نبی دے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی رو پے او بھی رون لگ جاندے نے اللہ دے نبی دی آنکھاں جو آنسو چل رہے نے جیر کلام والے ہو جامع مسجد مرکزی جامع مسجد محمدی اندر تشریف لانے والو دور دراز تو تشریف لانے والے ہو کدھی غور تے کرو نا میرے نبی دے آنسو آدھا ذکر زندگی دے اندر پہلی مرتبہ اس نالج اور اس مطالع نال جو بیان ہو رہے نے آج دا بیان سنو میرے نبی دی آنکھاں جو آنسو نکل رہے نے پیارے نبی فقال آقا فرما رہے استأذنت ربی فی ان استغفر لگا میں اللہ دے کلو اپنے رب کلو اجازت منگی اللہ دے پیارے نبی فرما دینے میں اپنے رب کلو اجازت طلب کی تھی کس بات دی کہ فی ان استغفر لگا اپنی امی واسطے استغفار کرن دی اجازت منگی فلن یعذن لی میں
मैनू इजाजत नहीं दिती गई। मेरे नबी फरमाते ने फिर मैं अल्लाह को इजाजत मंगी, अल्लाह इस्तगफार दी इजाजत ना सही, अपनी अम्मी दी कबर ते वेखावा, मां दी कबर ते जान दी इजाजत दे दियो। अल्लाह दे नबी फरमाते ने जदो अम्मी दी कबर दी ज़ियारत वास्ते इजाजत मंगी है फ़ाज़िन अली मैनू इजाजत मिल गई, मैनू इजाजत मिल गई। फिर नबी सोने फरमाया फ़ज़ूरुल कुबूरा फ़इन्नगा तुज़किरुल आखिरा, फरमाया कबरां दी ज़ियारत करिया करो, कबरां ते जाया करो, क्यों जो ये कबरां दी ज़ियारत तुहानू आखरत याद करवांदी है। जाया कर कदी अपने अब्बे दी कबर ते, जाया कर कदी अपनी अम्मी दी कबर ते, जी 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 जी, ते जिन्ना दे मां बाप मौजूद ने उन्हां दी ज़ियारत घर अंदर ही कर लिया करन, उन्हां दियां खिदमतां करिया करन, अल्लाह करीम इन्हां दी नजात दा ज़रिया बना देगा। ये खिदमत मां बाप दियां करने वाले अल्लाह नजात दा ज़रिया बना देगा। देखो ये अल्लाह सोने दियां हुकमतां ने, इत्थे मैं एक मसला बयान करां, अल्लाह दियां मर्जियां, इत्थे मर्जियां के दियां चल दियां ने, बोल के दस जरा, रब डाडे दियां मर्जियां, रब डाडे दियां चल दियां ने, ये मर्जियां अल्लाह सोने चल दिया ने। वरना मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी नाल दिया दुआ इस्तगफार दी कर देंदे। अल्लाह दे नबी नूं मना फरमाया गया दुआ इस्तगफार दी नहीं करनी, मेरे नबी ने इजाजत मंगी, प्यारे नबी नूं इजाजत ना दिती गई। मेरे नबी ने कबर दी ज़ियारत करने दी, कबर ते जान दी इजाजत मंगी, प्यारे नबी फरमाते ने कि मैनू इजाजत मिल गई, फ़ाज़िन अली मैनू इजाजत मिल गई। नाल अल्लाह फरमाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया सोनियों कबरां दी ज़ियारत करिया करो, आखरत नूं याद करवांदियां ने। ये जड़ी कबरां दी ज़ियारत है बंदे आखरत याद हुंदी है। नाल बुखारी शरीफ दी अगली हदीस सुनो, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने, असीं अल्लाह दे नबी दी बेटी दे जनाजे दे नाल शामिल होए, अल्लाह दे प्यारे नबी कबर ते बैठे होए ने, और आई तू عينيهِ تدمع हजरत फरमा रहे ने मैं अल्लाह दे नबी ने वेखिया प्यारे नबी दियां अक्खां चों आंसू टलक रहे ने, दुआं अक्खां चों आंसू चल रहे ने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कौन है आंसुआं नाल, मेरे नबी फरमाया कौन है जड़ा रात अपने घर वालियां दे कोल नहीं गया। समझदे हो ना, अपनी बीवी दे कोल रात केड़ा नहीं गया। अल्लाह, मेरे नबी नूं अपनी बेटी नाल कितना प्यार है, कितनी अजीम बेटी है। हालांकि जायज है, जायज जिन्ने जायज खुशी भी नहीं कीती रात नूं, अल्लाह दी इबादत अंदर मशहूर रहा है, रब नाल गल्लां करदा रहा है। तुहाडे चो बंदा केड़ा है? हजरत अबू तला कहंदे ने आना या रसूल अल्लाह, हजरत अबू तला फरमाते ने सोनिया मैं आ जेड़ा अपनी बीवी को रात नहीं गया। मेरे नबी ने फरमाया फ़अंज़िल फ़ी क़ब्रिहा, मेरी बेटी दी कबर अंदर उतर, बेटी दी कबर दे अंदर उतर। प्यारे अबू तला,
उतर। और जनाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कहन ते हजरत अबू तलहा कबर अंदर उतरे ते प्यारे नबी दी बेटी नू कबर अंदर उतारिया। इसे तरह बुखारी शरीफ दी को और हदीस सुन लो, एदे भी रावी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला 4262 नंबर हदीस दा, मेरे तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अल फरमा दे के नबी पाक ने हजरत जैद बिन हारसा, हजरत जाफर तैयार बिन अबी तालिब, अबू तालिब दा बेटा जाफर जिन्हां तैयार आख्या जांदा सी, हजरत जाफर तैयार कौन कौन तैयार क्यों आख्या गया है, इस करके के हजरत जाफर दी बीवी नू मेरे नबी ने ताजियत करदिया होया फरमाया अल्लाह दी बंदिए क्यों रो रही है, तेरा शौहर अल्लाह ने जन्नत विच उनू दो पारा ता फरमाए ने उते उड़िया फिरदा तैयार, हजरत जाफर तैयार। और जनाब इसे तरह जैद बिन हारसा, तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा उना दी शहादत दी तलाने तो पहले मेरे नबी ने खबर दे छड़ी, अजे तला जमीनी तला नहीं आई, आसमानी तला आ गई। अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा देने के जैद ने झंडा पकड़िया लड़न वास्ते, जैद ने झंडा लिया, जैद शहीद हो गया, जाफर दे कोल झंडा आया, जाफर ने झंडा लिया, हजरत जाफर भी शहीद होए, झंडा अब्दुल्ला बिन रवाह ने पकड़ लिया, अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो गए। मेरे नबी ना तिना शहीदां दा तज़करा कर दे, सहाबी कहंदा है वाइना तज़रफ नबी दियां अखां डुल पईयां, मेरे नबी रो रहे ने ते रोंदियां रोंदियां मेरे नबी फरमांदे ने हत्ता खदरा या था सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, झंडा अल्लाह दियां तलवारां विचों एक तलवार दे हाथ अंदर आया, तलवार अल्लाह दियां तलवारां च तलवार कौन, सैफुल्लाह खालिद सुभान अल्लाह। जी जी मेरे नबी फरमांदे ने हां जी जनाब हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम, हत्ता के अल्लाह ने फतह ता फरमा छड़ी, अल्लाह मेरे नबी दे आंसुआं दा तज़करा है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी दे आंसू सोणिया। हुण बुखारी शरीफ दी हदीस 5050 नंबर हदीस समाज फरमाना, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमा दे ने अल्लाह दे प्यारे नबी ने एक दिन मैनू आख्या अब्दुल्ला ए मसूद दे बेटे कुरान सुना, कुरान सुना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद अर्ज करदे ने सोणिया कुरान तुहाडे ते उतरदा है, कुरान उतरे तुहाडे ते ते सुणावा मैं, अल्लाह मेरे नबी फरमांदे ने नाम जी हां सोणिया तू सुना कुरान, अल्लाह अकबर अल्लाह, नबी सोना कुरान सुनना भी चाहते ने, हर वेले वाज करिया ही ना कर, ओए मुबल्लगा ते खतीबा कदी वाज सुनिया भी कर, कुरान सुनिया भी कर ताकि तेरा दिल भी नरम होवे। अलगरज हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा दे मैं सूरत निसा दी जनाब तिलावत शुरू कर दी, पढ़दिया पढ़दिया इस आयत ते पहुंचिया फकई फाइजा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला उलाए शहीदा, इस अंदर अल्लाह फरमा रहे ने उस वक्त की होएगा जदो अल्लाह हर एक उम्मत दे शहीद यानी गवाह ले आणगे और तुहानू भी उम्मत दे उत्ते लोगां ते गवाह ले आण के पेश कीता जाएगा। अल्लाह दे नबी दी जिम्मेदारी दा तज़करा आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन मसूद नूं फरमा दे रहे हस्बुकल आ
इब्ने मसूद बस कर जा बस कर जा। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे एक कह के पार होए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने मैं प्यारे नबी बने वेखिया फइजा अइनहु तजरिफाल। अल्लाह दे नबी दियां तू आंखां चो आंसू ढलक रहे ने आंसू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आंसू चल रहे ने। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक और आंसू वाला बयान समाज फरमा लो जनाब तिर्मिज़ी शरीफ दी हदीस है 321 नंबर अबू दाऊद शरीफ अंदर 904 नंबर हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न शिखीर हजरत अब्दुल्लाह बिन शिखीर शिखीर लफ्ज आएगा खाते शाद आएगी अगर अरबी अंदर पढ़ोगे तो अन अब्दुल्लाह इब्न शिखीरी फिर शीन ते भी शाद आएगी क्योंकि जोड़ के पढ़े आ ना और खा दे उते भी शाद आएगी शीन दे थले भी जेर है और खा दे थले भी जेर आएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन शिखीर रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं अल्लाह दे प्यारे नबी दे कोल गया वहुवा युसल्ली अल्लाह दे नबी नमाज पढ़ रहे ने हजूर दे सीने चो इंज आवाज आ रही है मिनल बुका रोने दी वजह करके इंज आवाज आ रही है जिवें हांडी उबल रही हुंदी है। मेरे नबी इंज रो रहे ने और नाल ही जनाब दूसरी हदीस समाज फरमा लो ये तिर्मिज़ी शरीफ दी 323 नंबर हदीस है अबू दाऊद शरीफ दी हदीस 1194 नंबर हदीस है हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह तआला ने दरावी ने के जनाब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर अंदर कौन फरमांदे ने सोने अब्दुल्लाह बिन अमर फरमांदे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर अंदर सूरज ग्रहण हो गया सूरज नु ग्रहण लग गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वास्ते उठे मेरे नबी ने लंबे लंबे कयाम करके लंबे लंबे रुकू करके लंबे लंबे सजदे करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकतां अदा की दिया मेरे नबी उठे हजरत ने कयाम फरमाया तेज लगदा सी हजूर रुकू अंदर नहीं जान गए रुकू अंदर गए तेज लगदा सी अल्लाह दे प्यारे नबी रुकू तो सर नहीं उठान गए। फिर मेरे नबी ने कयाम फरमाया इंज लगदा सी दोबारा रुकू अंदर नहीं जान गए अल्लाह दे नबी दूसरी मरतबा रुकू अंदर गए इको रकात अंदर दो रुकू और दो सजदे ते दो कयाम गल समझो मेरे नबी रुकू अंदर दोबारा गए हुण जनाब इंज लग रहा है कि प्यारे नबी सजदे अंदर नहीं जान गे सजदा नहीं कर रहे अल्लाह दे नबी और प्यारे नबी सजदे अंदर गए इंज लगता है कि प्यारे नबी सर सजदे तो नहीं उठा रहे और मेरे नबी फजला यनफुखु वयबकी अल्लाह दे प्यारे नबी जोर जोर नाल शिद्दत नाल रो रहे ने शिद्दत नाल हां जी वयनफुखु वयबकी अल्लाह दे नबी शिद्दत नाल रोए मेरे नबी इतना ज्यादा रो रहे ने वयकूल और फरमा रहे ने रब بِعَلَمْ تَعِذْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ أَلَمْ تَعِذْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ क्या तू मेरे नाल वादा नहीं किया के सोनिया इन्हां नूं अजाब नहीं दियांगा जदों तक तुसी इन्हां दर मौजूद हो। अल्लाह दे नबी कह रहे ने अल्लाह तेरा वादा है क्या तू वादा नहीं कीता कि उतनी देर तक अजाब नहीं दियांगा वा आना फीहिम जदों तक मैं इन्हां च मौजूद हाँ
कि अल्लाह तेरा वादा नहीं है कि उदो तक अजाब इन्हां नहीं दियांगा, वा नहनु नस्तगफिरू का, जितनी देर तक असी लोग मुआफियां मंगते रहांगे, देर तक गुनाहों दी माफियां मांगते रहांगे। अल्लाह दे नबी शिद्दत नाल मेरे नबी इतना ज्यादा रोए, रो रो करके प्यारे नबी आखदे ने, अल्लाह सोणिया क्या तू वादा नहीं कीता कि मैं इन्हां लोगों नूं उतनी देर तक अजाब नहीं दियांगा जदों तक तुसी इन्हां दे अंदर मौजूद हो। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने वा अना फीहिम, अल्लाह मैं इन्हां दे मौजूद ते हां ना। अल्लाह ये भी क्या तू वादा नहीं कीता मेरे नाल, फरमाया रब्बी अलम तईदनी, अल्लाह दे नबी कहंदे ने अल्लाह क्या मेरे नाल तू इबादा नहीं कीता कि अल्लाह तू अज़बहुम इन्हां नूं अजाब नहीं दियांगा जदों तक इस्तगफार करते रहेंगे, उदो तक मुआफियां मंगते रहेंगे अपने गुनाहों दियां, उदो तक मैं अजाब नहीं दियांगा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने नबी कहंदे ने अल्लाह जी तेरे कोलो मुआफियां भी मंग रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस समात फरमाओ 4099 नंबर हदीस है, हजरत जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस दे रावी ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया। अल्लाह दे नबी ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया और सूरत इब्राहीम आयत नंबर 36 अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने रब्बी इन्नकुन्ना अज़लल कतीरन मिनन्नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। हजरत ईसा अलैहि सलाम दे बारे सूरत माईदा दी आयत पढ़दे ने, हजरत साले सलाम कहते सन अन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। अल्लाह अगर तू इन्हां नूं अजाब देवे ते तेरे बंदे ने, अल्लाह सोणिया अगर इन्हां नूं माफ कर देवे, अल्लाहु अकबर अल्लाह माफ कर देवे, तू गालिब ते हिकमत वाला है। ये बयान करके ऐता अल्लाह दे नबी ने दोनों हाथ उठा ले, आका इवें हाथ उठा के कहंदे अल्लाहुम्मा उम्मती वबका, अल्लाह मेरी उम्मत। आप रो पे हाथ उठाए, हाँ जी अल्लाह उम्मती कहदिया मेरे नबी रो पे। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जा जल्दी नाल जा मेरे महबूब नूं पुछो सोणियो क्यों रो रहे हो, फस अल हुमायुब की का सोणिया क्यों रोंदे पए हो। मेरे नबी कोले जिब्रील आए, अल्लाह दे प्यारे नबी फरमांदे ने जिब्रील मुड़ जा कलण वाला ढंगी तरह जानदा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोले जिब्रील आसमान तो के वापस आ गए, आके कहंदे ने सोणिया अल्लाह ने फरमाया इन्ना काफी उम्मत सोनिया तेरी उम्मत दे बारे अंदर असी तुहानू खुश कर दियांगे, राजी कर दियांगे।